क्वेश्चन है, गिवन दैट ए प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, इफ ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू 4, बी का मैग्नीट्यूड इक्वल 5 एंड सी का मैग्नीट्यूड √61। ओके, ये हमें दे रखा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू सी, यानी कि सी का सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा पूरे का अंडर रूट, तो क्या हो जाएगा √61 है। ए क्या है 4 का स्क्वायर प्लस बी 5 का स्क्वायर प्लस 2 × 4 × 5 cos थीटा पूरे का अंडर रूट। ए और बी के बीच का है थीटा निकालना है हमें, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 61 इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 + 25 + 40 cos थीटा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या देगा 41 + 40 cos थीटा। तो 61 − 41 = क्या देगा 40 cos थीटा। तो 20 = क्या आ गया 40 cos थीटा। cos थीटा इक्वल टू हम क्या लिखे 20/40 यानी कि 1/2, और cos थीटा इक्वल टू 1/2 क्या होगा हमारे पास, cos थीटा 1/2 कब हो जाता है, थीटा क्या हमारे पास 60 डिग्री। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा 60 डिग्री होगा। दिस इज द क्वेश्चन।